सो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है मोबी क्विक जीप बैलेंस का लिमिट जो है आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं मोबी क्विक जो है यहां पे जीप बैलेंस जो है मैक्सिमम 30,000 रुपये तक देते हैं शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं इस बैलेंस का जो है आप बहुत सारे शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे शॉपिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है मोबी क्विक जीप बैलेंस को एक्टिवेट किए हैं और आपको जो है लिमिट मिल चुका है, जैसे कि जो है आपके मोबी क्विक में जो है जीप बैलेंस जो है आपको 5,000 या 10,000 रुपया है, तो आप जो उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है मोबी क्विक जीप बैलेंस को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वो भी मैं आपको जो है लैब डेमो ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूं, वो भी इंस्टेंट जो है ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं मोबी क्विक जीप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और इसी तरीके का जो है आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। और अब जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे जो है रेंट पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो है रेंट पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं होम शॉप रेंट, तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है कि आप कितने अमाउंट जो है आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल हम 1,000 रुपया जो है यहाँ पे दिखा देते हैं डेमो के लिए, तो हम 1,000 रुपया ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी नेम, तो आपको यहाँ पे जो है अपना ही नाम डाल देना है, नहीं तो आप प्रॉपर्टी नेम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं, तो आपको जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है नाम डालने का ऑप्शन मिल जाता है लैंडलॉर्ड, तो आपको अपना ही नाम यहाँ पे डाल देना। तो जैसे कि मैं अपना ही नाम यहां पे डाल देता हूं कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं ऐड बैंक अकाउंट, तो आपको यहां पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करके जो है बैंक अकाउंट का डिटेल डाल सकते हैं कि आप किस बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। और आपको जो है नीचे एक और ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं ऐड भीम यूपीआई आईडी, तो आप यहां पे इस पे क्लिक करके यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप फोन पे गूगल पे पेटीएम अमेजोन पे का जो है यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। यहां पे हम ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है आपको यहां पे बैंक अकाउंट नंबर यहां पे दिख जाएगा। अगर आप जो है फोन पे में जो है पहले से जो है आप किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए होंगे, तो आपको जो है इस लिस्ट में जो है आपका अकाउंट यहां पे शो कर जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं कि हम इस अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहां पे जो है नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड, तो आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और आपको जो है नीचे जो है प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पे जो सारा डिटेल यहां पे दिख जाएगा कि आप किस बैंक अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पे शो कर जाएगा। लास्ट का जो है यहां पे 3 डिजिट जो है अकाउंट नंबर यहां पे दिख जाएगा और बैंक का नाम यहां पे दिख जाएगा और कितने अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पे ये भी शो कर जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद आप यहां पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इंटर योर कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है और यहां पे एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर और सीवीवी नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको यहां पे क्या डालना है, आपको जो है मोबी क्विक का जो है आपको कार्ड मिला होगा। जैसे कि जो है आप मोबी क्विक जो है ऐप ओपन करेंगे और आप होम पेज पे आ जाएंगे और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है एक कार्ड शो कर जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके का जो है आपको मोबी क्विक का कार्ड आपको शो कर जाएगा। तो वो आपको यहां पे कार्ड नंबर डाल देना है और एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद जो है आपको यहां पे जो है पे रेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहां पे कार्ड नंबर डाल देते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मोबी क्विक का जो है कार्ड नंबर हम यहां पे डाल चुके हैं और एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर डाल चुके हैं। अब हम यहां पे जो है पे रेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे, आपका जो है पैसा आपके बैंक अकाउंट में इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है, तो यहाँ पे जो है इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो आप जो है कुछ इस तरीके से जो है मोबी क्विक जीप बैलेंस को जो है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।